चलिए टेंस की एक्सरसाइज के करेक्ट आंसर आज मैं आपको बता रहा हूँ। पहला वाक्य है यू कैन सिट इन द क्लास एज यू, इसमें आएगा हैव पेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा इसमें। दूसरा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा वाक्य था हमारा ऑल दैट ग्लिटर्स, इसमें होगा ग्लिटर्स, ये एक इडियम है, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। एवरी ईयर मैनी स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, एवरी आया है इसमें, इसलिए बहुवचन करता है स्टूडेंट्स, तो गो का गो आएगा इसमें, और ये साधारण वाक्य है। वी आवर प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसमें सेल हैव कंप्लीटेड आएगा। एन एम्प्टी वेसल, इसमें आएगा साउंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ये एक मुहावरा है। सी का रिसेंटली, रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, इसलिए सी हैज बॉट। टू एंड टू मैक्स फोर, टू एंड टू मैक्स फोर आएगा इसमें, मैक्स आएगा। सी वॉज डांसिंग व्हाइल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें आएगा आई वॉज प्लेइंग, एक तरफ इसमें वाइल आया है, दोनों टाइम से एक ही होंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। व्हेन माय फादर रिटर्न फ्रॉम हॉस्पिटल आई वाज सॉरी आई हैड बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन रीडिंग। द टीचर एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आएगा विल बी टीचिंग। अवर पार्लियामेंट आर्टिकल 370 ए फ्यू डेज अगो, अगो पास्ट सिंपल में आता है, इसलिए इसमें आएगा डिसमिस्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि अगो जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में ही आता है। अगला है देयर 33 डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, तो बी की फॉर्म आएगी इसमें, देयर आर इज एम आर होती है प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट का वाक्य है और बहुवचन हमारा ऑब्जर्व करता है, इसलिए आर आएगा। ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु डज नॉट ईट आएगा इसमें, डज नॉट ईट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा इसमें, नेगेटिव सेंटेंस है। आई शैल डेफिनेटली विजिट मोहन इफ ही इन्वाइट्स मी, कंडीशनल क्लोज टाइप वन, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, तो ही इन्वाइट्स मी। अटेंशन द टीचर इज कमिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अटेंशन आया है, इज कमिंग। डोंट मेक ए नॉइस द बेबी इज स्लीपिंग, डोंट मेक ए नॉइस द बेबी इज स्लीपिंग आएगा इसमें, कंटिन्यूअस टेंस होगा। सी बियर इन पार्टी, तो ये हैबिचुअल आदत है, आदत वाला कार्य है सॉरी, तो इसमें आएगा सी डज नॉट ड्रिंक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री बट हिज वाइफ वर्क्स इन ए बैंक, तो ये जनरल ट्रूथ है, दोनों में प्रेजेंट सिंपल वर्क्स वर्क्स आएगा। और अंतिम वाक्य था योर सन ऑन टाइम, तो डज नॉट डू, योर सन डज नॉट डू हिज होमवर्क ऑन टाइम, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और आपको सही आंसर मैंने बताए, और उम्मीद है कि आपने भी इनको हल करके देखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू।